नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। वर्ल्ड रईसों की रैंकिंग में रोज अंबानी और अडानी एक दूसरे को आगे पीछे करते हैं। कभी आपने सोचा इनके पीछे समानता क्या है? चाहे निर्मा वाले करसन भाई पटेल हो, सन फार्मा के दिलीप सांघवी हो, कोटक बैंक के उदय कोटक हो, टोरेंट के सुधीर मेहता हो, कडिला के पंकज पटेल हो, या अपने जमाने के भीष्म पितामह जमशेद जी टाटा हो, या आज के सबसे बड़े दानी अजीम प्रेम जी हो, इन सब में क्या कॉमन? सबसे पहली चीज ये कि ये सब सफल है, रोल मॉडल है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट, इन सब के डीएनए में कहीं ना कहीं गुजरात है, इन सब के रूट्स में कहीं ना कहीं गुजरात है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुज्जू भाइयों के सक्सेस सीक्रेट्स की। कैसे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके सफल हो जाते हैं, कैसे वो जेनरेशन दर जेनरेशन व्यापार को बड़ा करते चले जाते हैं, और इसके लिए आज हमने नींद से उठाया गुजरात के सबसे मशहूर उद्योगपति, जिनको अभी हाल में पद्मश्री मिला और जिनको हम इस बात से ज़्यादा जानते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को सैकड़ों कारें, घर और ज्वेलरी भेंट की। मैं बात कर रहा हूँ सावजी भाई ढोलकिया की। सावजी भाई ढोलकिया आज हमको बताएंगे कि गुजराती की सक्सेस के सीक्रेट्स क्या होते हैं। वो अमेरिका से अपनी बात रख रहे हैं, मैं हिंदुस्तान से अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है, आप अपने जीवन में सफल हो और अपने बिजनेस में सफल हो। और दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले गुजरात के हौसलों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। 1994 में प्लेग आया, 1998 में बाढ़ आई, उसके बाद भी सूरत मानो ऐसा खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और धरती पर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है आज सूरत। 2001 में अर्थक्वेक आया, हजारों लोग मारे गए, भुज और अंजार आज तक हमारी आंखों से बाहर नहीं निकले, लेकिन वो शहर आज चार गुना हो गए, ज्यादा शान से चमचमा रहे हैं। ऐसा क्या है भाई गुजरात के हौसलों में? ऐसा क्या है कि सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, लेकिन 1/4 इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुजरात करता है। दुनिया में कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर है, भारत के दूध का 1/4 हिस्सा गुजरात में बनता है। अरे, दुनिया में हर अमीर के गले में जो ट्रीटेड डायमंड होता है ना कहीं वो गुजरात में पॉलिश होता है। एक अमीर आपको ऐसा नहीं मिल सकता जिसने गुजरात का हीरा ना पहना हो। इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल इकोनॉमी, इंडिया का पेट्रोल कैपिटल, इंडिया का मेडिसिन कैपिटल, क्या क्या कहूं गुजरात के बारे में। गुजरात की हवा में व्यापार है साहब, मेरी सांस तो रोक लो, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? भाई, गुजराती का जो दिमाग होता है ना, इसमें धंधा कूट कूट कर भरा होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ये घर में जब बड़े होते हैं ना, अपने पापा से, चाचा से, दादा से, परदादा से, सबसे सिर्फ बिजनेस की कहानियां सुनते हैं, और साथ साथ इनके सबकॉन्शियस माइंड में घर की बातें ये भी भर देती है कि गुजराती एक्सेप्शनल बिजनेस पीपल है और हम अपने दिमाग में व्यापार लेकर पैदा होते हैं। एक गुजराती कहीं काम भी कर रहा होगा ना, उसके दिमाग के किसी कोने में चल रहा होगा, एक दिन अपना बिजनेस शुरू करूंगा। एक गुजराती कहीं नौकरी भी कर रहा होगा तो अधिकांश घरों में एक साइड बिजनेस भी चल रहा होगा। आज की जिंदगी चाहे जैसी हो, लेकिन उनकी सोच में एक बात पक्का रहेगी, काई मोटू करसू, कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा। और मैं तो जन्म के बाद बिजनेस की बात कर रहा था, सावजी भाई ढोलकिया तो एक कदम आगे निकल गए। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। गुजराती पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, गुजराती बच्चे को जो भी है घर पे जाके बात करते हैं। कोई भी आप देखे तो पूरा दिन की स्टोरी घर पे बच्चे सुनेंगे, बनाएंगे, बताएंगे, माँ बाप को बताएंगे, और घर पे बताएंगे तो बच्चे अपने आप से रेडी होंगे, बच्चा होगा तब से। वैसे तो मेरे हिसाब से वो अभिमन्यु की तरह वो पेट में ही ऐसा तो सीख लेता है। गुजरातियों की सफलता के, उनकी अमीरी के और रहस्य और स्ट्रेटजीज बताऊं, उसके पहले आपको बता दूं, ये वीडियो उज्ज्वल पाटनी YouTube चैनल पर रिलीज हुआ है। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, बेल आइकन नहीं दबाया हो तो दबा दें। 400 से ज्यादा अद्भुत असाधारण वीडियो आपका इंतजार कर रहे हैं। और यदि आप ऑडियो के प्रेमी हैं तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, हर उज्ज्वल पाटनी शो 48 आवर्स पहले Spotify पर रिलीज होता है, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के नाम से। आप Spotify डाउनलोड करें और वहां मेरी पॉडकास्ट को फॉलो करें, भाई ऑडियो का भी अपना मजा है। तो बिना देर किए मैं खुद बेचैन हूं, आपसे अगली स्ट्रेटजी शेयर करता हूं, गुजराती सफल क्यों होते हैं।
कभी गुजरातियों को करीब से देखना, वो आपके सामने छोटे बन जाएंगे सीखने के लिए, वो घंटों बैठे रहेंगे सीखने के लिए और बहुत ओपन है चेंज करने के लिए। उनके पास हो सकता है फॉर्मल एजुकेशन ना हो, बड़ी डिग्रियां ना हो, स्टाइल में नजर ना आए, लेकिन आप उनको कुछ भी लेटेस्ट बताओ वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए आप किसी भी गुजरात के शहर को देखो, वहां पर लगातार नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो रहा है और वो वहां बैठकर पूरी दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी बिजनेस देते हैं ना, तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी तक को वो एक जनरेशन बढ़ा के देते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं, तमे मोटा मानस अमे नाना मानस, मतलब तुम बड़े आदमी मैं छोटा आदमी, मैं तुमसे सीखना चाहता हूं। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सावजी भाई जिनका जीवन, जिनका बिजनेस अपने आप में सक्सेस का एग्जाम्पल है, उनसे सुनते हैं वो सीखने के बारे में क्या कहते हैं और वो क्यों दृढ़ता से अड़े हैं कि सीखना गुजराती की सबसे बड़े सक्सेस सीक्रेट्स में से एक। मेरा हिसाब से तो मैं ऐसा मानता हूँ, गुजराती जो चीज जो भी जीवन में अच्छा लगा वो अप्लाई करना चालू कर देते है, खाली बात नहीं करते, जीवन में अप्लाई करना चालू करते है। मेरे जीवन में तो मैंने जो भी चीज अच्छी लगी तो दूसरे ही दिन अपनी कंपनी में मैं कैसे अप्लाई करूं और तीसरे दिन कैसे रिजल्ट मिलना चालू हो जाए। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो रुकता नहीं, अपने आप को सवाल करके चेंज करके रिजल्ट नहीं मिलता तब तक वो ट्राई करता ही रहता है। ये उसका दूसरा पॉइंट भी है। और तीसरा पॉइंट है, लोग क्या बोलेंगे इसके सामने नहीं देते, छोटा काम है बड़ा काम है, मैं इसमें रिजल्ट लाऊंगा, मैं इसमें सक्सेस होऊंगा, वो काम करता ही रहेगा, दुनिया क्या बोलेगा इसके लिए उसको कोई मायने नहीं रखते। अरे भाई आप सोचो, आज गुजराती इंडिया में सक्सेसफुल है, अफ्रीका में सक्सेसफुल है, यूएस में सक्सेसफुल है, कनाडा में सक्सेसफुल है, केन्या में सक्सेसफुल है, जहां जाता है अपना झंडा गाड़ देता है, 24/7 काम करता है, पूरा घर मिलके काम करता है। और पहले का गुजराती सिर्फ हार्ड वर्क करता था, आज का गुजराती हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करता है। इसीलिए गुजराती कंफर्ट जोन की परवाह किए बिना दुनिया के हर कोने में जाने को तैयार होता है। और आइए सुनते हैं सावजी भाई के अपने शब्दों में वो क्या कहते हैं। जहां भी बिजनेस मिले वहां हम जाते थे और जहां भी बिजनेस मिलते हैं वहां से हम ले लेते हैं। ऐसा हमारा कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं भाई मेरे को ये कंफर्ट जोन है, मेरे को ये कंफर्ट जोन है। हमारा तो बिजनेस मिला वो कंफर्ट जोन, कोई दुनिया में कंफर्ट जोन है ही नहीं। और आज भी मैं मेरे अपने बच्चे को भी बोलता हूँ कि जो चीज में कंफर्ट जोन है वहां पे बिजनेस नहीं है, जहां कंफर्ट नहीं है वहां बिजनेस है, दुनिया वहां नहीं जाती है, हम वहां जाओ। परफेक्ट। वो छोटे मोटे चीजों के लिए नहीं लड़ते, वो कहते अपना एनर्जी और टाइम सही जगह पर लगाना है। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम कार में अहमदाबाद से जा रहे थे, बाजू से एक कार तेजी से निकल गई, लगभग ओवरटेक कर लिया, सिग्नल पर गाड़ी रुकी है और एक बाजू की कार बड़ा जबरदस्ती हमारी कार को पछाड़ के आगे घुसने की कोशिश में लगी है। मेरे साथ मेरा दिल्ली का DGM था, वो कहता है ड्राइवर से, यार बोलो कुछ बाजू वाले गाड़ी को थोड़ा कांच खोल के लगाओ, दो चार दिल्ली होता तो अभी तक तो कूट देते। तो वो ड्राइवर कहता है, साहब जब एंड में डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे ना, मेरे और इसके बीच महज 2 मिनट का फर्क रहेगा, लेकिन अभी मैं यदि कांच खोल के इससे लड़ाई करूं या उतर कर बहस करूं, विश्वास कीजिए आज का दिन खराब हो जाएगा। और महज 2 मिनट के लिए दिन खराब करना मूर्खता है। इसीलिए आप देखेंगे गुज्जू लड़ाई नहीं करता, बिजनेस या पार्टनरशिप नहीं चली प्रेम से सेटल करके छोड़ देगा, उसको पता है टाइज कट करने हैं, ब्रिज नहीं जलाने, यानी वो संबंध तोड़ देगा लेकिन बातचीत चालू रखेगा। कोई गुजराती किसी के मर्डर की सुपारी नहीं देता, कोई छोटी छोटी बात पर लड़ाई या बहस नहीं करता, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने सालों साल पहले एक बात कही थी, वो कोट सदा सर्वदा अमर रहेगा यदि आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते पर रुक कर पत्थर फेंकते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ज्यादा अच्छा है बिस्किट साथ में रखिए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा ये बताइए, क्या गुजराती लोग निर्णय लेने में कैसे होते हैं? क्योंकि अभी अपन निर्णय तो बहुत फास्ट लेते हैं, वो प्लानिंग नहीं बहुत करते, निर्णय लेके देख लेते हैं,
जो नहीं सक्सेस हुआ तो छोड़ दो, दूसरा ले लो, लेकिन लो तो सही। ओहो, तो आपका कहना है जो बाकी दुनिया प्लानिंग में आधा समय एनालिसिस पैरालिसिस में बिता देती है तो गुजराती पैरालिसिस हो जाता है, देखा जाएगा। एनालिसिस करने में समय ज्यादा चला गया तो पैरालिसिस हो जाता है। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। गुजराती हमेशा कहते हैं कि जो सेफ्टी नेट है ना, ये कमजोर लोगों के लिए बनते हैं, और बिजनेस में बड़ी सफलता रिस्क से बच कर हासिल नहीं हो सकती, रिस्क लेकर हासिल हो सकती। हाल का एक एग्जाम्पल काफी चर्चित है। ऑस्ट्रेलिया की माइन को लेने के लिए जब अडानी पहुंचे तो बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, या यूं कहें आधा ऑस्ट्रेलिया अडानी के विरोध में खड़ा हो गया। अब भाई तुम समझ क्या रहे हो, पहले तो गुजराती, उसके बाद अडानी के नाम में शुरू में अड़ा, तो जब अडानी अड़ गया तो प्रोजेक्ट बढ़ गया। भाई असल बोल्ड रिस्क टेकर्स। और सावजी भाई क्या कहते हैं सुनिए, ये तो एक कदम आगे जा रहे हैं रिस्क टेकिंग के मामले में। गुजराती स्वभाव से रिस्क टेकर होता है क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल दो, बहुत छोटा सा था, तो पूरी टीम मेरे से सब यंग खड़े थे और बीच में जा रही थी बड़ी खाड़ी। वो खाड़ी ऐसी थी कि जो आदमी गिरा कमर तक वो खाड़ी में गिर जाता, और खाड़ी थी पूरी सिटी की गंदगी की। अच्छा, वो बोले इतना पैसा दो, कोई बोले 100 मन में सबको पेंडा बांटू जो कोई जाए तो। तो मैंने क्या किया, पीछे जाके कोई देखे नहीं वैसे ट्राई कर लिया, तो एक किले पे आ गया। जब तक मरता नहीं वो ट्राई करो ने, वो तो रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा सोचने का, मर तो नहीं जाएंगे ने, अबे गंग हुआ तो क्या हुआ, गिर जाएंगे तो ना लेंगे घर जाके, लेकिन ट्राई तो करो। तो मतलब मरना छोड़ के बाकी सारा रिस्क ले लो, सब रिस्क लेने का। आप देखो यूएस में एक गुज्जू जाएगा, वो वहां सेटल होगा, वो अपने किसी रिश्तेदार को बुला लेगा, उसको रखेगा, काम सिखाएगा, उसको भी एक धंधा खोल के देगा, खोलने में मदद करेगा, वो दोनों सेटल हो जाएंगे, वो दोनों फिर इंडिया से अपने एक एक भाई को बुलाएंगे, और ऐसा ऐसा करते करते पूरी कम्युनिटी को समृद्ध बना देंगे। इसीलिए आज गुजरात के बहुत इंटीरियर इलाकों से भी गुजराती निकल के दुनिया के दूसरे देशों में गए हैं, और वहां पर उन्होंने बिजनेस में झंडे गाड़े। और खास बात क्या है, सब एक दूसरे की मदद करेंगे, और इसीलिए कम्युनिटी का मोटो है डेवलपिंग टुगेदर विथ एवरीवन, सब मिलके बढ़े और हर आदमी बढ़े। इसीलिए वो खूब नेटवर्किंग करते हैं, जब भी दो गुजराती मिलेंगे आपस में गुजराती में बात करेंगे, जब भी दो गुजराती मिलेंगे कहीं ना कहीं कल्चर से कनेक्ट हो जाएंगे, और बाकी काम ये नवरात्रा और सारे पतंग वाले कल्चरल फेस्टिवल कर देते हैं, जहाँ पे गुजराती इसमें आपस में खूब इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। इसीलिए आप देखेंगे बड़ी बड़ी उम्र के गुजराती काम करते रहते हैं, आप पूरा समृद्ध हो जाने के बाद भी गुजरातियों को आराम करते नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि अपना ईगो बड़ा कर लो, शांति से घर में बैठ जाओ, आत्ममुग्ध हो जाओ, वो और ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट और अर्निंग और वेल्थ क्रिएशन की राह में बढ़ते जाएंगे। और आज हमारे साथ जो दिग्गज हैं सावजी भाई, वो खुद भी यही कर रहे हैं, और अभी सुनिए वो खुद इस बारे में आपसे क्या कहते हैं। और आज हम भाग्यशाली हैं कि खुद सावजी भाई ढोलकिया यहां पर हमको गुजराती इसका सक्सेस सीक्रेट बता रहे हैं। और यदि ये सब जानने के बाद भी आपने बिजनेस में तरक्की नहीं की, करियर में तरक्की नहीं की, लाइफ में तरक्की नहीं की, तो फिर मैं नहीं जानता कैसे करोगे। अच्छा ये बताइए, क्या गुजराती रिटायर होते कि नहीं होते, काम करते ही रहते? नहीं, उसको भगवान रिटायर नहीं करते जब तक मरते नहीं थकता, क्योंकि मेरा भी एक डायलॉग है, 40 साल मेरा जी बाकी है, 60 साल हुआ है, 100 साल जीने का है और 400 साल का काम करने का है, तो मेरे को तो मरने के बाद भी करना पड़ेगा, तभी मेरा 400 साल का काम। तो क्या आपकी नई जनरेशन में भी यही हार्ड वर्क आ रहा है कि थोड़ा डिस्काउंट? हाँ, नई जनरेशन थोड़ा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों एड हो गया है, और करेगा हमसे अब कई, जैसा धीरू भाई के इस लेवल पे मुकेश भाई ने काम कितना किया, क्योंकि हार्ड और स्मार्ट दोनों एक्सेप्ट किया। और इसका तीसरा जनरेशन तो क्या करेगा, वो तो अपने जेब में रखेगा दुनिया को।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। गुजरातियों के लिए कोई काम छोटा नहीं होता। गुजराती ये मानते हैं यदि हमने काम हाथ में ले लिया तो हम उसको 100% समर्पण और शिद्दत के साथ करेंगे, और ये क्वालिटी हर इंसान को गुजरातियों से सीखनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं, अरे आज नहीं तो कल, बढ़ना तो है ही, और भले छोटे काम से शुरुआत हो चाहे बड़े काम से। आप इतिहास गवाए देखिए, धीरूभाई अंबानी ने भजिया बेचने से शुरुआत की। तो दोस्तों, यदि आप आज छोटे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप पूरी शिद्दत से आज भी अपने काम को करेंगे तो एक दिन आप बड़े जरूर होंगे। एक बड़ा बागीचा एक एक पौधा करके लगता है, एक हिमालय को एक एक कदम करके लांघा जाता है। उसी तरीके से जिंदगी को बिल्डअप एक एक कदम करके किया जाता है। आज की ये केस स्टडी अद्भुत थी, अनोखी थी। मैं पूरे गुजरात को दिल से सलाम करता हूँ। मैं दुनिया भर में फैले हुए गुजराती भाइयों के जज्बों को, उनके हौसलों को, कंफर्ट जोन तोड़ने की उनकी आदत को दिल से सलाम करता हूँ। मैं सावजी भाई का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सुबह सुबह आप अमेरिका में गहरी नींद से उठकर हमारे साथ गुजराती भाइयों का सक्सेस सीक्रेट बांट रहे हैं। अरे हम तो हर पल आपसे सीख रहे हैं। मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, आज की इस केस स्टडी को अनेक बार देखें और सोचें इनमें से कौन सी चीज़ मैं अपने व्यापार में या अपने करियर में उतार सकता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी जानने से नहीं बदलेगी, ज़िंदगी उतारने से बदलेगी। और जब हमारे सामने गुजराती भाइयों जैसे रोल मॉडल हैं, उनसे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे भाई। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।